मैं अन्नपूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शन 2020 की शुरुआती दौर के होने हैं, जिसको लेकर आज नितिन कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय और किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राजधानी दिल्ली में चुनाव को लेकर क्या तैयारियां कर रहे हैं और क्या उनका पहला कदम होगा। इस कार्यक्रम में जनता दल पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वही जनता दल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते नजर आए और साथ ही प्रधानमंत्री के किए गए कामों की तारीफ करते भी नहीं चुके। सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। पेश है दिल्ली के संवाददाता राजीव तिवारी की एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु, ये नाम दिया है ब्रज के बिरज संत पूजनी रमेश बाबा ने, वहीं मेरे ईमानदारी के ऊपर परसा ने जो राधा मैया का जन्म स्थान है वहीं मेरा कार्यालय बना गया है। बाबा ने ही बनवाया कार्यालय और मैं वहां से यमुना बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो जो संत करते हैं, रमेश बाबा करते हैं, उसको कर रहा हूँ। उससे प्रभावित होकर माननीय बेगराज गुजर जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, माननीय अजब सिंह कसाना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और ये जो हमारे कालीचंद चतुर्वेदी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और यहाँ भी जितने पदाधिकारी प्रदेश के मंडल के पदाधिकारी हैं, जो हमारी बेटी बैठी हैं ये भी पदाधिकारी हैं, कोई किसान नहीं है यहाँ। पदाधिकारी मुझसे प्रभावित इसलिए हैं कि मुझे काम करते करते चौथापन आ गया, अब मुझे लगता है कि मैं कहीं मरन जाऊं तो इससे पहले मैं सोचता हूं कि देश के किसानों का भला हो जाए। जिंदगी तो बर्बाद कर दी लेकिन देश का किसानों का भला नहीं हो पाया अभी तक। क्यों नहीं हो पाया? कि अंग्रेज तो यहां से चले गए थे, सत्ता जिन लोगों के हाथ में आई उन्होंने पूरी बेईमानी के साथ किसानों के साथ अन्याय किया। आप कैसे भला करेंगे किसानों का? हम ऐसे भला करेंगे जैसे 5 पांडवों ने महाभारत जीत लिया था, ऐसे ही हम तलाशते फिरते हैं। हमने तलाशा है कि नीतीश कुमार एक ईमानदार नेता है और हम महाभारत की तरह अब अर्जुन की भूमिका में है और महाभारत छिड़ गया है और नीतीश जी को हमने कह दिया आइए और हम किसान आपके साथ होंगे, नीतीश सरकार हमारे साथ होगी, नीतीश की पार्टी जनता दल यू हमारे साथ होगा, भारतीय किसान भानु ने किसान क्रांति दल और बना लिया है, रमेश बाबा ने बनवाया है, इसलिए कि कब तक मांगोगी? कांग्रेस से मांगा, इनसे मांगा, उनसे मांगा, कोई नहीं सुनता है। 72 साल में किसान को कृषि प्रधान देश को उद्योग प्रधान बना दिया गया है, इसके बदले में अब हम और माननीय नीतीश कुमार जो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिल के संघर्ष करेंगे, किसानों का भला करेंगे, इस उद्देश्य से हमें आए। वार्ता रखी है, आपको लगता है कि बिहार के अंदर किसान की जो हालत है अभी और अभी मोदी सरकार फिर दोबारा से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी, क्या उसका लाभ बिहार के किसानों तक पहुँचेगा? आपने अभी तक 14 साल में हमारे जनता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी जो बिहार के से 14 साल होने हमारे जा रहे हैं, आपने अभी तक कोई साल ऐसा है जिसमें उन्होंने बिहार के लिए कुछ ना कुछ ऐसा चीज नहीं निकाले जिसमें आप कहते हैं किसान मोर्चा? आपने बिहार में कभी सुने हैं जो कोई किसान आत्महत्या किया? किसी किसान के बारे में आपने सुने? अभी तक नहीं सुने। इसीलिए बिहार में 14 साल में जो किसान को मान सम्मान दिया गया है और वही चीज पूरे देश में फैलता जा रहा है और इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने अभी पिछले हफ्ते मैं गया था और किसान जो भारतीय किसान यूनियन का ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनके बारे में मैंने वहाँ पे बातचीत किया क्योंकि उनके सुझाव हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिक्शनरी और रास्ता दिखाता है और उन्होंने हमें बिहार के किसान के बारे में जो कुछ बताए वो सारे लेके मैं दिल्ली आके आज की जो मीटिंग आप साथ जंतर मंतर हमारे राष्ट्रीय जनता दल यू का ये ऑफिस है
वहाँ पे हमने ये संगठन उठाया और जो हमारे भारतीय किसान यूनियन ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, इनके पूरे टीम की मैंने बैठक की। और आपने अभी देखा होगा जो सिर्फ किसान के बारे में ही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं करते हैं, बिहार में चाहे आपने देखा ब्लॉक स्तर पे शराबबंदी सबसे बड़ी बात है, अभी आपने देखा गुटखा पान बंद हो गया, ये सारे चीज़ से राजस्व में नुकसान होता है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ये कहते हैं जो ये नुकसान कहाँ है, इससे हमें फायदा होता है। तो ये जो हमारा परिवार है जनता दल यू, इसके लोगों को हम स्वच्छ और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देके ये सारे चीज़ करते हैं। तो किसान मोर्चा का जो ये सारे हमारे जैसे इनका आज सुन रहा हूँ 18 स्टेट में इनका संगठन है, ये कहना आसान है। मैं एक दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ, यहाँ दिल्ली में चला रहा हूँ, उसके लिए जो मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है ये आप लोग जानते हैं। इन्होंने तो 18 स्टेट में अपना संगठन बना रखे हैं, तो हम सब को मिल के और इनके साथ चल के और इनकी और किसानों की जो दुख है दर्द है उसमें हमें भाग लेना चाहिए और इनकी बातों हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम सारे तो किसान के बच्चे हैं, सब किसान के बेटे हैं, चाहे कोई IAS बने हैं, IPS बने हैं, मिनिस्टर बने हैं या CM बने हैं या PM बने हैं, हम सब किसान के ही बेटे हैं और उसी जमीन से निकल के हम सब आए हैं। आप दिल्ली के पहली बात तो आप थोड़ी सी अगर पीछे जाए तो MCD चुनाव आपने देखा था, 67 सीट पे हम लड़े थे और 1.5 या 2 महीने में हम लोगों ने वो डेवलप किया था, परसेंटेज भी हमें ठीक ठाक आए। आपने देखा शुरुआत थी हमारे, फिर भी हम लोग बड़े तन मन बड़े ढंग से लड़े। लेकिन ये जो विधानसभा है 2019-20 जनवरी अक्टूबर 70 के 70 विधानसभा पे हमारी तैयारी है और हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और हम इलेक्शन लड़ेंगे। और इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, आप ये देखेंगे जो हम अपनी तरफ से या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना है जो चाहे कुछ भी हो, आपको जितना आदमी MLA MP जिस टाइप के हमें इलेक्शन के लिए यहाँ भेजेंगे और हम उनको सपोर्ट करके लड़ेंगे। और दिल्ली में जो भी कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा और आप सबके सामने है, ऐसे झूठ बोल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्लियर कहा है, जो कहना वो करना, चाहे हमें सीट मिले ना मिले, ऐसा नहीं जो कांग्रेस की तरह हम कहें कुछ किए कुछ। और सबसे बड़ा 420 अरविंद केजरीवाल, जो हम बिहारियों हम पूर्वांचल के वोट पे ही उसने सरकार बनाया, लेकिन आप एक बार कह दें जो उसने कोई मुद्दा कोई चीज उसने जो कहा क्या आज तक उसने करके दिखाया, आज भी वो लड्डू बांट रहा है। जब इलेक्शन आया भाई 6 महीने में 4.5 साल तुम कहाँ थे, तो ऐसे चीज़ों को लेके ही हम नीतीश बाबू के जो बिहार में हमारा काम हुआ है उसको लेके हम दिल्ली में उतरे। आप एंड किए, एक तो दिल्ली में हमारी अभी तक ना कोई प्लानिंग, हम बिहार में दोनों JV हैं और हम किसी स्टेट में नहीं हैं और ना हम दिल्ली में, हमें कोई उम्मीद है। हम अपने ताकत से अपने कर्म से अपनी मेहनत से अपनी संगठन से जगह बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे जो 70 के 70 विधानसभा पे हम लड़ें। अगर भारतीय जनता पार्टी हमें ऑफर करते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारा संजय झा जी जो दिल्ली प्रभारी हैं, जो जल संसाधन मंत्री हैं, वो सब टॉप की बात है, वो जो डिसीजन लेंगे एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि आप जिम्मेदार पद पर हैं, ये जो देखिए काम की नज़रिया से देखें, कोई पार्टी पक्ष ना करें, क्योंकि हम सब एक पब्लिक है, किसी पार्टी को सबको साथ, चाहे कांग्रेस है, BJP है, आम आदमी है, जनता दल यू, सबको अलग कर लिया। GST आने से क्या नुकसान हुआ है, थोड़ा सूद द कोई भी चीज़, आप अपने परिवार चलाते हैं ना, सब 4 आदमी के परिवार चलाने के लिए ना आपको शाम को कई बार उपराग होता है परिवार में, गार्जियन वो होते हैं जो अच्छा होता है वही करते हैं। ऐसा मोदी जी ने अभी तक जो डिसीजन लिया है हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं
और वो बहुत अच्छा देश के लिए कर रहे हैं। ये ट्रैफिक जो आप बता रहे हैं, अच्छी बात है, क्या उन्होंने क्या कहा जो आप रेड लाइट पार करो? देखिए, हम इंडिया से बाहर मेरे ख्याल सारे स्टेट घूम चुका हूँ और सारे देश एक ही साथ तकरीबन आज़ाद हुई है, कभी इंडिया हुई। सवाल मैंने इसलिए किया, नहीं आपने जो पूछा सो मैं उसी जवाब दे रहा हूँ। मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि आए दिन सुनने में आ रहा है कि किसी की गाड़ी 15,000 की है और उससे डबल चालान हो रहा है, लोग परेशान हो चुके हैं। तो क्या मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या पहले एक बार वार्निंग दिए हैं ADGP जो अपना है, उन्होंने जो ट्रैफिक का उन्होंने वार्निंग दिया ना दो दिन बाद ही, जो किसी गाड़ी की पेपर आप नहीं चेक करेंगे, किसी गाड़ी की आप पॉल्यूशन चेक नहीं करेंगे, आप उसी गाड़ी को रोकेंगे जिन्होंने बेल्ट नहीं लगाया, जिन्होंने गाड़ी रेड लाइट पार किया, उसके बाद आप उनकी कोई चीज़ मांगेंगे, उन्होंने सुधार किया। तो अगर ये सब नहीं करेंगे तो 100 रुपये अगर चलान होता था तो किसी को परवाह नहीं होता था, जेब से निकाले दे दिए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं भी पकड़ा जाता हूँ और मेरी अभी पिछले महीने चंडीगढ़ में पकड़ा गया, पूछिए मेरे एकदम, मैं 100 रुपये रिश्वत नहीं देता हूँ कहीं भी। मैं कहा जितना चलान काटना है काट लो, क्योंकि हमने गलती की, हम सुधरेंगे कैसे, हमारी देश कैसे सुधरेंगे, ये जो पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है वो कैसे सुधरेगा, डेली एक्सीडेंट हो रहा हो कैसे सुधरेगा, जब तक हमारे अंदर डर नहीं होगा। डर तभी होगा जब 100 की जगह 1,000 हो। सर एक लास्ट सवाल है, आज की जो बैठक है कार्यक्रम है, इसका माध्यम क्या है? आज की जो आप ये बैठक जो मैंने अभी कहा, जो ये हमारे 18 स्टेट में भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर अनु प्रताप सिंह जी, इनकी पूरे टीम के साथ जनता दल परिवार में इन्होंने ज्वाइनिंग की है और हमें इस चीज़ की आज बहुत खुशी है, जो नीतीश बाबू चाहते थे और हम लोग चाहते हैं, आज हमारी ताकत 18 स्टेट में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी का नाम होगा, इसी का संगठन और विस्तार।